हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं प्रिया डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। दोस्तों, आपको पता होगा मैं आप लोगों के लिए आयुर्वेदिक से रिलेटेड वीडियो लाती हूँ, घरेलू उपचार बताती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी टीबी की बीमारी के बारे में, जैसे किसी को टीबी की बीमारी लग जाती है या हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने इसमें घरेलू उपचार क्या करने हैं, पहले तो जो टीबी के मरीज होते हैं हम उनके साथ क्या करते हैं, हम उन्हें अलग रूम में रखते हैं, उनके कपड़े, उनका खाना पीना का अलग ही कर देते हैं। दोस्तों, उतना भी हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए, हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में ही हम उनका इलाज कर सकते हैं, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हम उनके साथ चिड़चिड़ेपन से अगर बात करेंगे तो रोगी ज़्यादा से भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो आपने उनके साथ बिल्कुल ही अच्छे से रहना है, उनके साथ कोई भी आपने भेदभाव नहीं करना है। तो मैं पहली बात करूँगी, आपने थोड़ा सा खजूर लेना है और दूध में उसको अच्छे से घोल के आधा गिलास आपने दूध का लेना है और वो खजूर और दूध मिक्स करके आपने उस रोगी को पिलाना है जिसको ये बीमारी हो रही हो, टीबी की बीमारी। तो इससे भी जो आपने इस दूध को और खजूर को लगातार 1 महीने तक लगातार देना है, इससे जो टीबी की बीमारी हो समाप्त हो जाएगी। और दूसरी जो ये है दोस्तों, आपने रोगी को डेली 1/2 किलो अंगूर खिलाने हैं, डेली रोज आपने 1/2 किलो अंगूर का सेवन कराना है उस रोगी को जिसको ये टीबी की बीमारी चल रही हो। या फिर आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते, आप बाजार से अंगूर नहीं खरीद सकते, कई बार किसी को प्रॉब्लम भी चल रही होती है, नहीं खरीद सकते बेचारे, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने जीरा लेना है, थोड़े से आपने मटर लेने हैं, थोड़ी सी हींग लेनी है, और आपने क्या करना है उनके साथ, उसमें अच्छे से कूट के उनको मैक्सी में आप कुंडी में कैसे भी उसको पीस सकते हो, उनको उसका चूरन बना के बिल्कुल बारीक करके उसमें आपने नींबू का रस निचोड़ना है। तो आपने इसका सेवन कम से कम 2 महीने तक उस मरीज को लगातार करवाना है, तो इससे जो उनकी टीबी की बीमारी है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आपको उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि उनका इलाज करवा सके, तो आप अपने घर में ही घरेलू उपचार कर सकते हो। और आपको आप दूसरों को भी बता सकते हो, आस पड़ोस में हेल्प कर सकते हो, भाई ये उपचार कर सकते हो आप घरेलू, अगर आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते तो अपने घर में ही घरेलू उपचार कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी की हेल्प करना, जैसे मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताती हूँ घरेलू उपचार, तो आप भी दूसरों को वीडियो शेयर भी कर सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और दोस्तों, मेरा गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है।